ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 18 मार्च 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रे। पहले मुख्य समाचार। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमला, 200 लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। भारत बांग्लादेश सीमा के निकट एक बीएसएफ जवान की मृत्यु। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। यूक्रेन पर हमले का आज 23वां दिन। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। गुरुवार शाम ढाका के इस्कॉन राधाकांत मंदिर पर 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों की भीड़ की अगुवाई हाजी शफीउल्लाह कर रहा था। इस्कॉन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने ट्विटर पर लिखा कि डोल यात्रा और होली समारोह की पूर्व संध्या पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने लिखा कि हमें आश्चर्य है कि संयुक्त राष्ट्र हजारों असहाय बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की पीड़ा पर चुप्पी साधे हुए है। इतने सारे हिंदू अल्पसंख्यकों ने अपनी जान संपत्ति खो दी है, लेकिन अफसोस है कि संयुक्त राष्ट्र चुप है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक और पूजा स्थलों के प्रति ये बढ़ती असहिष्णुता को शर्मनाक बताया है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले का पुराना इतिहास है। पिछले साल भी दुर्गा पूजा के दौरान चांदपुर जिले में भीड़ ने हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया था। इस दौरान 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। असम में भारत बांग्लादेश सीमा के साथ दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले में एक दुर्घटना में बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई है और एक अन्य जवान लापता है। 3 जवानों को बचा लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर मातृभूमि का जन्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए हुआ था। मातृभूमि ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूस यूक्रेन जंग का आज 23वां दिन है। रूसी सेना अब पश्चिमी यूक्रेन के सुरक्षित समझे जाने वाले इलाकों को भी निशाना बना रही है। इसी क्रम में आज लवीव के एयरपोर्ट पर स्ट्राइक की गई। लवीव के मेयर ने बताया कि हमले में इमारतों को नुकसान हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट सुरक्षित है। दूसरी तरफ चेर्निहिव की गोलीबारी में एक अमेरिकी और कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को प्योर ठग और हत्यारा तानाशाह कहा है। बाइडेन ने ये बात कैपिटल हिल में सेंट पैट्रिक डे के मौके पर हुए कार्यक्रम में कही। अब कुछ संक्षिप्त समाचार। देश भर में आज होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुलिस ने पुलवामा में आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। प्रारंभिक जाँच से पता चला कि वे लॉजिस्टिक आश्रय प्रदान करने और युवाओं को हाइब्रिड आतंकवादियों के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करने में शामिल थे। ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के जल्द शुरू होने की संभावना जताई है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के कारण बंद हुई शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को जल्द शुरू किया जाएगा। फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को पूरे भारत में CRPF कवर के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पे न्यूज़ रेल।